फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अजय जी, कॉटन में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है, बिनौला खल के साथ साथ कॉटन भी 41,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ चुकी थी। आपने 42,000 का लेवल दिया था, तो उसके बीच में तो ट्रेड करती नजर आ चुकी है। आपको क्या लगता है, अगर तेजी ऐसी कायम रही तो क्या कॉटन इसके भी पार जा सकती है? ठीक है, मेरे को कोई भी एक कारण ऐसा लग नहीं रहा है कि मंदी आ जाए कॉटन में जी। कुछ लोगों से मैंने ये सुना है कि इस बार बंपर स्विंग होने वाली है, बट मुझे लगता है 24 फरवरी के बाद जो ये स्विंग की बातें हैं ये भी चेंज हो गई है। बिकॉज आप एक चीज सिंपल समझिए कि जिन तरह से गेहूं के भाव बढ़े हैं, मक्के के भाव बढ़े हैं, सोयाबीन जो इंटरनल क्रॉप है इनमें तेजी आई है, तो वो एक लुक्रेटिव बनते हुए दिखाई दे रही कॉटन के मुकाबले। तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया अंडर कल्टीवेशन में अगर हम बात करें तो कॉटन के अलावा दूसरी क्रॉप पे जा सकता है, जिसकी वजह से एरिया वापस टूट सकता है। बट इट इज टू अर्ली टू से, बेटर 15 अप्रैल तक का वेट करना चाहिए। बट टेक्निकली अगर देखें तो क्रूड की तेजी की वजह से मैन मेड फाइबर मतलब पॉलिस्टर इनमें तेजी बनी हुई है, और इसकी तेजी कहीं ना कहीं कॉटन को भी सपोर्ट कर रही है। आज आधे परसेंट की गिरावट है क्योंकि कल की तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। हो सकता है मार्केट में 500-700 पॉइंट की अगर गिरावट मिले भी, लेकिन चलिए 52 आपको दिखा देगा। बट 10 से 15 अप्रैल तक ही ये तेजी है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर देगा।